तो इस वीडियो में मैं लाइव विड्रॉ की रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। और लेट्स सी कितना टाइम लगता है, क्या होता है, पे आउट मिलता है या नहीं मिलता है, या कौन सी ऑब्लिगेशन होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है विड्रॉ एंड स्केल का, ये मिलता है KYC कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। इस पर क्लिक कर लेते हैं हम। ओके, यहाँ पर आपके सामने आ रहा है अमाउंट कितना विड्रॉ करना है और किस माध्यम से आप इसको विड्रॉ करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो हमारा प्रॉफिट है, मतलब जो स्प्लिट है 80-20 के हिसाब से, तो हमारा स्प्लिट यहाँ पर है 1700, मतलब ये सारा ही कॉपी करके यहाँ पर डाल देते हैं हम। और इसको विड्रॉ करना चाह रहे हैं हम USDT में, ERC20 का हम यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। मुझे नहीं बताया सिस्टम इशू है या क्या इशू है, और ये कह रहा है नॉट अलाउड। एक बार रिफ्रेश करके हम देख लेते हैं। ऑलराइट, ये सबमिट हो चुका है गाइज। यहाँ पर पेआउट्स में हम चेक कर रहे हैं तो पेंडिंग में दिख रहा है, और पेड और रिजेक्टेड यहाँ पर तीन ऑप्शन है। तो ठीक है, आज है डेट 30 तारीख, यानी 30 नवंबर, आज हमने ये रिक्वेस्ट सबमिट करी है। और मुझे नहीं पता एग्जैक्टली ये कैसे इन लोगों ने पे आउट कर रखा है, क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट है वो एग्जैक्टली ये नहीं है, जबकि इससे ज़्यादा है। तो आई एम नॉट श्योर ये क्या है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। एक बार इसके बारे में कंफर्म कर लेंगे हम, क्योंकि जो हमारा अकाउंट था वो पाउंड में था, ठीक है। वो 1700-1750 के आसपास प्रॉफिट था, इसका मतलब टोटल $2200 के आसपास होना चाहिए था। तो उसके हिसाब से जो प्रॉफिट शेयर होगा वो ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कुछ दूसरा है। फिलहाल सबमिट कर दी है रिक्वेस्ट, अब इसमें फर्दर क्या होता है वो जो भी होगा मैं आपके सामने रिकॉर्ड करके शेयर करूँगा, ठीक है। ऑलराइट, वेलकम बैक। आज है 2 दिसंबर 2023, सैटरडे का दिन। हमने इसकी रिक्वेस्ट डाली थी 30 तारीख को आई बिलीव। तो ये है फिलहाल स्टेटस इसका, क्योंकि कल ही इसका जो पे आउट था वो मुझे रिसीव हो चुका था। ऑल्दो यहाँ पर ही रिजेक्टेड शो कर रहा है, लेकिन इसमें पूरी कहानी क्या थी मैं आपको बता दूँ। मैंने आपको बताया था जो भी ऐसे प्रॉफर्म हैं जो आपको लाइव कैपिटल से बैक करते हैं, वो आपको बड़ा अमाउंट देने से पहले थोड़ा सोचते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर हुआ, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो हमारा अकाउंट था ये छोटा अकाउंट था, आप देख सकते हैं, मतलब 17,500 पाउंड का ये अकाउंट था। पास करने के बाद अगर हम इसको स्केल करते आप तो ये लगभग $90,000 के आसपास पड़ता। तो इतना बड़ा अमाउंट देने से पहले कोई भी जो फर्म है वो थोड़ा सा अपने पॉलिसीज चेक कर लेगी, क्या कहीं ना कहीं कोई वायलेशन है। और जैसे मैंने आपको बताया, कहीं ना कहीं वो चीज़ चेक करेंगे स्टॉप लॉस वाला पार्ट। मैंने स्टॉप लॉस एक दो ट्रेड में 2% से ज़्यादा जो है प्लेस कर दिया था, उसके वजह से मुझे सॉफ्ट ब्रीच आई थी। तो यही रीज़न था। तो इन्होंने मुझे एक मैस ईमेल किया था कि हम आपके अकाउंट में जो है थोड़ा सा उतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम आपको आपका अकाउंट आगे स्केल अप कर सकें या फिर पे आउट के लिए। तो इन्होंने मेरे सामने दो कंडीशन रखी। पहला कि हम आपको और इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है, और इसके लिए आपको जो स्केल करके देंगे हम आपके अकाउंट को फर्दर, इस पर आपको 5% का प्रॉफिट जनरेट करना होगा इन ऑर्डर टू विड्रॉ योर अमाउंट। मतलब अभी आपको विड्रॉल नहीं देंगे, हम कब देंगे, जब आप जो बड़ा अकाउंट आपको मिलेगा उसमें 5% की एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी, क्योंकि इस अकाउंट में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब एक बार आपने स्केल अप कर लिया तो उसके बाद फिर आप एक मिनिमम इनका एक अमाउंट है $100, उससे ऊपर जितना भी आपका अमाउंट होता है वो आप विड्रॉ कर सकते हैं, कुछ कंडीशन है वीकली या ऐसा जो भी है। लेकिन ये 5% या एक फिक्स्ड परसेंटेज आपको जनरेट करना है ऐसा नहीं था। लेकिन इन्होंने मेरे सामने एक ये कंडीशन रखी कि अगर आप 5% जनरेट करेंगे तो आपका पहले फेज़ वाला जो ये अमाउंट था, इसमें जो स्प्लिट था, वो जो हमने रिक्वेस्ट दी थी, ये प्लस जो आप जनरेट करेंगे 5%, वो दोनों मिला के हम जो है एक साथ दे देंगे।
और दूसरी कंडीशन रखी, आपका जो स्टॉप लॉस होगा, जो ड्रॉडाउन होगा वो ट्रेलिंग होगा। अभी तक वो स्टैटिक था आप इवैल्यूएशन के दौरान में, फर्स्ट फेज के दौरान, लेकिन अब वो ट्रेलिंग होगा। तो ये दो कंडीशन रखी थी, ठीक है। तो मैंने इनके सामने कंडीशन ये रखी कि भैया मुझे आप स्केल करके मत दो आगे, ठीक है, क्योंकि ट्रेलिंग ड्रॉडाउन भी है, ऊपर से 5% का एक फिक्स टारगेट है, अगर वो रीच नहीं होता है, मतलब 6% का ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है और टारगेट हिट करना है 5% का, मतलब 1:1 के आसपास का। तो 1:1 का टारगेट इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इनके पास लेवरेज भी बहुत कम है, 2% की रिस्ट्रिक्शन है, तो लेवरेज से आप उस तरह का ट्रेड ले नहीं पाएंगे। 2% भी बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, उतना उससे आप आधा भी पर ट्रेड में नहीं लगा पाएंगे। तो इसीलिए वो रिस्ट्रिक्शन को देखते हुए मैंने इनको बोला कि भैया मैं आपके अकाउंट को स्केल अप करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आप एक काम करो, आप पे आउट दे दो, ठीक है, और अकाउंट को बंद कर दो। तो एक डिस्कशन हुआ हमारा हेल्दी सा, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर तो इसको पेड में नहीं डाल रखा है, लेकिन ये अमाउंट मुझे मिल गया था, इसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। और ये जो यहाँ पर डॉलर पे शो कर रहा है, ये एक ग्लिच था, ये एक्चुअली पाउंड होना चाहिए यहाँ पर, 1767 पाउंड और 1414 पाउंड, तो यहाँ पर डॉलर है, ये इनकी वेबसाइट का बग है ये, ठीक है। तो कुल मिला के हमने जो प्रॉफिट जनरेट करा था, तो इस अमाउंट का 80% जो होता है डॉलर में कन्वर्ट होके हमें मिल गया है। 1787 डॉलर का जो पे आउट था वो हमें मिल गया था 1 तारीख को, यानी कल। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट पे आउट का, कुछ इस तरह से, ये सेम अमाउंट है जो वहाँ पर शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये पाउंड में है और वहाँ पर वो डॉलर पर शो कर रहा था। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो, आपको ये आइडिया मिल गया होगा कि पेमेंट तो मैंने ले लिया इनसे, लेकिन ऑब्लिगेशंस क्या क्या आई 3 महीने की जर्नी में और पे आउट में या फिर स्केल अप करने में, वो आपके सामने पिक्चर क्लियर हो गई है। तो अगर आप प्लान करना चाह रहे हैं FTUK को ट्राई करना, तो ध्यान रखें जो एक्सपीरियंस मैंने शेयर करा है, स्टॉप लॉस आपका 2%, उससे कम ही होना चाहिए हर हाल में, उससे ऊपर जाएंगे सॉफ्ट ब्रीच हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब $1-2 भी अगर आप ऊपर जाएंगे तो इनका सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा और प्रॉब्लम फिर आगे पे आउट उसमें होगा, ठीक है। बाकी अगर आप फर्दर बाकी प्रॉफर्म देखना चाह रहे हैं तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, उसके लिए मैंने लास्ट वीडियोज़ में 1-2 प्रॉफर्म रेकमेंड कर रखे हैं जो फिलहाल अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें, और फ्यूचर वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।